हाँ सर, फिल्म के बारे में क्या कहेंगे आप, फिल्म कैसी लगी आपको? अच्छी है फिल्म, एंड अजय देवगन की एक्टिंग अच्छी है, इवन अमिताभ बच्चन हैज परफॉर्म वेरी वेल, एंड कुछ डिफरेंट है, यूजुअल लव सीन रहे वो से ज़रा डिफरेंट। रकुल प्रीत के बारे में क्या कहेंगे? रकुल प्रीत या शी इज गुड। एंड हाउ इज द केमिस्ट्री बिटवीन अजय देवगन के बारे में क्या है? अच्छा, यूजुअल बॉस और स्लाइटली सबॉर्डिनेट का ये था, अच्छा था। और ये कह सकते हैं कि ये साल का सबसे अच्छी फिल्म है? मे बी, टिल नाउ आई फेल्ट दैट दिस इज गुड। आगे का क्या रहता है कि फ्यूचर में कोई ना कोई अच्छा करता है। कैरी मिनाटी का कैसा रहा? कैरी मिनाटी का जो आपको अच्छा लगा एक्टिंग? या अच्छा था। एंड अमिताभ बच्चन? या यूजुअल, अमिताभ बच्चन इज ऑलवेज यूजुअल। बैकग्राउंड स्कोर के बारे में क्या कहेंगे आप? बैकग्राउंड 4.5 टोटल आउट ऑफ 5। नहीं, बैकग्राउंड स्कोर, बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में। म्यूजिक के बारे में या ओके, नॉर्मल स्लाइटली, मे बी सम टाइम इट इज वेरी लाउड, बट ओके। ओवरऑल कितना स्टार देना चाहेंगे? 4.5। इस दरवाजी सर, फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? फिल्म कैसी लगी आपको? रनवे 34 बहुत अच्छी मूवी है, और ट्रू इवेंट हुआ था उसके बेस के ऊपर है। अजय देवगन और अमिताभ का काम बहुत अच्छा है। रकुल प्रीत के बारे? हाँ, उसका भी काम अच्छा है। और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में क्या कहेंगे? बैकग्राउंड म्यूजिक कैसी है? बैकग्राउंड म्यूजिक कैसी है? बैकग्राउंड बोलेगा तो बैकग्राउंड की म्यूजिक कैसी है? हाँ, म्यूजिक, हाँ वो अच्छी है, इसमें गाना नहीं है ज़्यादा, और अच्छी मूवी है, देखना चाहिए एक बार। कितने स्टार देंगे? 5 out of 4। मूवी हमें बहुत अच्छी लगी, मूवी बहुत अच्छी लगी, मूवी में एक्टिंग वक्टिंग वाली बात नहीं है, सीखने का बहुत है। ये पायलट है, एविएशन मिनिस्ट्री है, किस तरह का क्या क्या होता है, कैसी कैसी घटनाएं घटती है, जो ना पढ़ाई में आती है, ना हम लोग को कोई समझा सकता है, ना हम लोग माँ बाप ये शिक्षा दे सकते हैं। फिल्म के डायरेक्शन की बात की जाए तो बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड डायरेक्शन। रकुल प्रीत की केमिस्ट्री जमती है, वो को पायलट का रोल की है, उसका रोल भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल इस मूवी को आप 5 में से 4 स्टार में दूंगा। थैंक यू। मूवी टाइम पास मूवी है, टू टेल यू द ट्रूथ, यू कैन वेट फॉर OTT। अगर OTT में अगर आपको इंतज़ार कर सकते हैं 1 महीने का, मुझे नहीं लगता है कि इस फिल्म की ऐसी कोई क्यूरोसिटी थी वगैरह, बट इट्स अ गुड फिल्म, इट्स नॉट अ बैड फिल्म, इट्स अ गुड फिल्म, बट आप इंतज़ार कर सकते हैं, सिनेमा हॉल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सुबह कुछ रिव्यूज़ देखे थे, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इट्स अ नाइस फिल्म, इट्स अ डिफरेंट फिल्म, लेकिन क्यों आप 1000-2000 रुपये खर्चा करें? आप रुकिए ना, महीने भर में आ जाएंगे OTT पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एंड दे ऑलवेज गुड टुगेदर, यू नो आई हैव लव देम सिंस मेजर साहब, और वो अच्छे करते हैं, और अजय देवगन खुद डायरेक्ट भी कर रहे हैं इस फिल्म को, तो वो अच्छा था, बट वी नीड बेटर, समथिंग बेटर, इतने पोटेंशियल है दोनों में, मुझे लगता है कि अब हमें जो है एक लेवल नॉच ऊपर करना चाहिए। साउथ की फिल्में आके इतना कमाल कर रही है यहाँ पे, हमें भी उनसे सीखना चाहिए, हम कहाँ हीरोपंती 2 में फंसे हुए हैं अभी तक, अभी वी नीड टू गो अ लिटल हायर ना। वैसे अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो रकुल भी है, बोमन सर भी है, तो सारे बड़े बड़े नाम हैं। रकुल एंड बमन आर वेस्टेड, बमन सर आर, बमन ईरानी आर वेस्टेड, कम्प्लीटली वेस्टेड, दे शुड गो फॉर मच बेटर स्क्रिप्ट। अजय देवगन इज गुड एंड सो इज मिस्टर बच्चन। Not that great, hardly anything. Not much to talk about. यार मैं खुद बहुत चाहता हूँ कि ना इस फिल्म, यू नो आई केम विथ लॉट ऑफ होप्स, फिल्म ठीक है, फिल्म खराब नहीं है, फिल्म में जो आप जो अभी तक देखते आ रहे हैं वो ठीक है, बट नाउ वी डोंट वांट टू सी, नाउ एज एन ऑडियंस ऑल्सो हम सो यू नो मेकर से एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी बॉलीवुड हमारे लिए कुछ अलग लेके आए, यू नो दिस इज़ अ वेल ट्राइड, ये अलग है कुछ तो फिल्म, बट ऐसी फिल्में हम देख चुके हैं।
हाँ ऐसी फिल्में हमने देख चुके हैं और ये टेंशन बिल्डिंग जो है थोड़ा सा अच्छा है फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ थोड़ा सा मुझे ड्रैग लगा था। हाँ जी, द पॉइंट इज अगर कैरेक्टर्स का नाच देखा जाए तो अगर परफॉर्मेंस वाइज अगर आप उनका देखें तो उनका परफॉर्मेंस कैसा था? किनका परफॉर्मेंस? रकुल का या बुमन सर का? नहीं, परफॉर्मेंस सभी का अच्छा था, एवरीबॉडी वाज गुड बट जो जहन में रहते हैं वो दो नाम होते हैं, वो है अजय देवगन और अमिताभ बच्चन। अगर आप रुक सकते तो रुक जाइए, OTT पे देखिएगा ये फिल्म। ओके, आप लोगों ने देखी है फिल्म? नहीं सर का ले लीजिएगा। सर फिल्म के बारे में क्या कहेंगे, फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया पिक्चर थी। अजय देवगन और अमिताभ बच्चन एक साथ फिर सिनेमाघरों में आ गए हैं, आप क्या कहेंगे उनके बारे में, एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? दोनों बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं। अजय देवगन का रोल बहुत अच्छा था, डायरेक्शन बहुत अच्छा था, बोरिंग है लेकिन हमें ऐसा लगा कि अपन रियल पिक्चर देख रहे हैं। सेकंड पार्ट जो बोरिंग है, हमें बहुत पता है, पहली बार पता चलता है कि पायलट को क्या दिक्कतें आ सकती है। हीरोइन का तो ज्यादा रोल था ही नहीं, मेन तो अमिताभ बच्चन और अजय देवगन का ही रोल था, बाकी तो सिर्फ एक शो पीस के हिसाब से थे। और इसमें बहुत ही अच्छा लगा कि कोई वाहियात गाने नहीं थे, नाच गाने नहीं थे, वो एक अच्छा था। ओवरऑल कितने स्टार देंगे? 5 स्टार, 5 में से 5 स्टार देंगे। क्या ये सर रनवे 34 के बारे में क्या कहेंगे आप, कैसी लगी फिल्म आपको? रनवे 34 मुझे फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं एज ऑफ द सीट थ्रिल करके रखता है वैसा था, पर सेकंड हाफ जो है वही जो थ्रिल था, वही एक्साइटमेंट, बिल्कुल उसने आपको नीचे ले गया। वो फर्स्ट हाफ जितना अच्छा, सेकंड हाफ उतना ही डल और ड्रामेटिक। अजय देवगन और अमिताभ बच्चन एक साथ फिर से सिल्वर स्क्रीन पे आ गए हैं, आप क्या कहेंगे उसके बारे में, उनकी केमिस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे? देखिए अजय देवगन और अमिताभ बच्चन की जो केमिस्ट्री है ऑन स्क्रीन वो एक बहुत नेचुरल केमिस्ट्री लगती है, और इस फिल्म में भी वो एक नेचुरल केमिस्ट्री दिखी है। अजय देवगन का काम जो है वो इतना शानदार है, देखिए वो आर्टिस्ट फैबुलस है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन, उनकी आंखें अपने आप में एक किरदार होती है, और इस फिल्म में उन्होंने उसे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। उनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा है, अमिताभ बच्चन का भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर जो अमिताभ बच्चन का किरदार है, जिस कैरेक्टराइजेशन जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो उनको जो बीच बीच में हिंदी में बोलते हुए दिखाते हैं कुछ ड्रामा ऐड करने के लिए, वो अगर ना होता, अगर एक सादा वकील दिखाते कोर्टरूम ड्रामा में, शायद से ज़्यादा असर पड़ता, पर इन दोनों का जो काम होता है साथ में देखना हमेशा ही बहुत अच्छा होता है। रकुल प्रीत की एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे और केमिस्ट्री बिटवीन रकुल एंड अजय? रकुल प्रीत जो है, मैं ये बताना चाहूँगा कि इस फिल्म का हिडन जेम है। सब लोग अजय देवगन और अमिताभ बच्चन के बारे में बात करेंगे, पर रकुल प्रीत ने इतनी प्यारी एक्टिंग की है, उनके एक्सप्रेशंस हो गए, उनकी डायलॉग डिलीवरी हो गई, बहुत ही शानदार है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको भी देखें इस फिल्म में, अगर जो लोग देखने आ रहे हैं। टॉकिंग अबाउट एविएशन के बारे में है, तो आपको लगता है कि जो इंसान जाएगा नया नया देखने के लिए तो उसके एविएशन बोर हो जाएगा या ऐसा कुछ? देखिए बोर मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि आज की डेट में हमने काफ़ी रिसेंटली कुछ कुछ एविएशन के हादसे सुने हैं, भले ही वो कोई बड़ी एयरलाइन हो या जो हमारे जनरल बिपिन रावत जी थे उनके निधन पे जो हमने एविएशन, तो देखिए एक जनता में उत्सुकता है कि एविएशन में क्या होता है, ये चीज़ ऐसी है जिसके बारे में हर किसी को नहीं पता। ओके, ये शायद से एक बहुत ही सिक्योर्ड प्रोफेशन है जहाँ पर क्या होता है, क्या प्रोसेस है, वो नहीं मालूम होते हैं, और ये एविएशन के बारे में जो फिल्म है उसमें जनता का इंटरेस्ट डेफिनेट होगा, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि बहुत सारे क्या प्रोसीजर्स होते हैं, एक पायलट जो होता है, एक जो केबिन क्रू होता है, उसे किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है, और अगर उनसे कुछ लापरवाही भी होती है तो उसके बाद क्या हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं मालूम होती है, पर यहाँ पे शायद से लोगों को ये मालूम पड़ेगा। ओवरऑल म्यूज़िक के बारे में क्या कहेंगे? बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत शानदार है, फर्स्ट हाफ का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो तो इतना अच्छा है कि आपको विजुअल्स के साथ साथ म्यूज़िक भी बिल्कुल चौकन्ना करके रखता है, और थ्रिलिंग जो मोमेंट्स होते हैं उसमें म्यूज़िक का जो रोल है वो बहुत प्यारा है। सेकंड हाफ में थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कोर्टरूम ड्रामा है, तो कोर्टरूम ड्रामा जैसा बैकग्राउंड म्यूज़िक है तो उसका थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है वो कम आया है। ओवरऑल कितने स्टार देना चाहेंगे आप? 2.5 स्टार, 2.5।